गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाएंगे 5 kg का ये केक, और उसके लिए सबसे नीचे हमें जो केक बनाना है वो बनाना है 2.5 kg में। उसके लिए आपको लगेगा प्रीमिक्स 750 ग्राम, 10 इंच का मोल्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा कटिंग शटिंग करके बना रहा हूँ ये केक, तो आप लोगों को मैंने सही तरीका ये बता दिया, अगर आपके टाइम हो तो, क्योंकि हम नॉर्मली बहुत सारे स्पॉन्ज बेक करके रखते हैं तो इतना टाइम नहीं है कि स्पेशल फिर बनाएं, तो हम तो कटिंग शटिंग करके आपको पता ही किस तरीके से जुगाड़ करके बना लेते हैं। तो सबसे नीचे का जो केक रहेगा वो आपका 2.5 kg का रहेगा, 750 ग्राम प्रीमिक्स लगेगा आपको, उसमें 10 इंच का मोल्ड रहेगा। जो सेकंड टायर वाला केक रहेगा वो बनेंगे हम 1.5 kg का, उसके लिए आपको 8 इंच का मोल्ड लगेगा और 450 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर लगेगा। और सबसे ऊपर जो आपका केक रहेगा वो रहेगा 1 kg का, उसके लिए आपको 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर लगेगा, 6 इंच का मोल्ड आपको यूज़ करना है। आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा। ये है नया फ्लेवर हम बना रहे हैं, नया फ्लेवर अगर आप कहते रहते सिखाओ 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 तो नया लेके आए हैं। तो ये हमें बनाना है। यहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया, कैरमल सॉस यूज़ की है, कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, बटर स्कॉच क्रंच है, साथ में चोको चिप है। अभी इसको नाम दे देंगे हम कुछ भी, खाने में बहुत टेस्टी है। इसको देंगे हम नाम चॉकलेट एंड कैरमल केक, चल जाएगा, कुछ भी चलेगा। देखो, फैंसी नाम आप रख सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। और ये जो बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है ड्रम बोर्ड, और ड्रम बोर्ड का जो साइज़ है वो 14 इंच है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए कि किस तरीके से आपको केक बनाना है। तो सबसे नीचे वाला केक 2.5 kg का रहेगा, उससे ऊपर 1.5 kg का, और सबसे ऊपर रहेगा आपका केक 1 kg का। प्रीमिक्स पाउडर वगैरह मैंने सब आपको बता दिया है किस तरीके से लेयरिंग कर रहे हैं। कैरेमल सॉस है, कंडेंस मिल्क है, बटर स्कॉच क्रंच है, और साथ में है चोको चिप, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार फीडबैक मिला था हमें इस केक के लिए, तो आप लोग भी ये फ्लेवर बना सकते हो। नाम आप खुद रख लेना, चाहे तो मैं आपको नाम पहले से ही बता देता, लेकिन क्या होता है जो रियल बातें होती हैं वो भी आपको बताएं ज़रूरी है। नहीं पता भैया मुझे नाम, मैंने मिक्स किया बना लिया और काम हो गया। तो अब आप लोग भी नाम रख लेना, इसका नामकरण कर देना आज, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमें पता चला है कि आप लोग चैनल देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन का बेल आइकन आपका दबा नहीं है, इसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो प्लीज़ आप जाइए अपने चैनल पे, जहाँ पे सब्सक्राइब बटन होता है, जहाँ नोटिफिकेशन होता है, वहाँ नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे और आप लोगों को सीखने को मिलता रहे, हमें भी वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे, आपकी सेवा करने का मौका मिलता रहे। तो 2.5 kg का ये केक बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस वीडियो की, मैं आपको अच्छी तरीके से ये सिखाने वाला हूँ कि आपका केक ना तो गिरेगा, ना धसेगा, ना टेढ़ा होगा, ना मेढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि पता क्या है, जब बड़े केक्स आते हैं ना, आप लोग पहले तो घबरा जाते हो, करे क्या, कैसे करना है, क्यों होगा। अच्छी व्हिप्ड क्रीम होनी चाहिए आपकी, स्टिफ पीक होनी चाहिए, एकदम सॉलिड, क्योंकि जब आप केक बना रहे हो ना, लूज क्रीम होगी तो वो अपने आप वैसे भी अपने वेट से खुद ही नहीं उठ पाएगा, बैठ जाएगा, तो फिर आप केक का वजन कैसे डालोगे इसके ऊपर। तो और ये मत पूछो कि कौन सी कंपनी की क्रीम है, ये पूछो उसको ढंग से बीट कैसे करना है। कोई भी क्रीम आप लोगे किसी भी कंपनी की, क्योंकि कंपनी बहुत रिसर्च के साथ बनाती है कोई भी प्रोडक्ट बनाती है। तो दो कारण होते हैं जब क्रीम बीट नहीं होती, एक जब सप्लायर उसका टेम्परेचर हैंडल ढंग से नहीं करता, वो इधर उधर पटक देते हैं, गर्मी में पड़ी रहती है, एक बार हीटिंग में आ जाती क्रीम तो अच्छे से स्टिफ नहीं होती। दूसरा, हल्का बीटर रहता है आपका, ठीक है। और तीसरा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ अब आप करना क्या, क्योंकि जो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया था उसको भी एक बार ट्राई कर लेना। वैसे ही ये सजेशन में नहीं होता है, फिर भी जुगाड़ हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट ठीक करना है। वो कैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक रूल कर दिया इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी फ्रोज़न होगी ना जब आपकी क्रीम में, मतलब जैसे आपने थॉ करने रखी है फ्रिज में, उसमें आइस क्रिस्टल होंगे, तो आप क्या करना, तब उसको फेंट के देखना, बहुत बढ़िया रहेगी। अच्छा, ये बोर्ड है 8 इंच का। अब मैं आपको क्रीम की लेयरिंग नहीं दिखाऊंगा, मतलब केक की, अब मैं आपको असेंबल करना ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो केक बोर्ड को हम बीच में से काट लेते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप ऊपर वाला केक रखते हो 2 किलो 2.5 किलो तो चल भी जाता है बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन 5 किलो का ये केक है,
जब इसके ऊपर वेट आएगा 2.5 kg, सबसे नीचे वाले केक के ऊपर 2.5 kg वेट आएगा ऊपर से, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर वो धंसने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने केक बोर्ड को इस तरीके से काट के क्लीन रैप लगा लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि नहीं तो नीचे का जो पार्ट होता है उस पे लेमिनेशन तो होती नहीं है, और ये जब केक में जाएगा तो ये सॉगी हो जाएगा, हो सकता है केक को गंदा भी करे, तो इसलिए आप इसको रैप कर लोगे तो काफ़ी अच्छा है, सेलो टेप वगैरह लगा के सेट कर लेना। हालांकि ये बने बनाए भी आ रहे हैं आजकल, इसको मेरे को नाम नहीं पता क्या बोलते, डिस्क बोल लेना आप, ठीक है, ये बनी बनाई भी आती हैं। अगर नहीं है तो केक बोर्ड को इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। अब ये हमारा 1.5 kg का केक है, ये मैंने आपको दिखाया नहीं है लेयरिंग करके, क्योंकि फ्लेवर तो सेम ही है, साइज़ मैंने आपको बता दिया है, पहला वाला हमने 10 इंच के मोल्ड से बनाया था स्पॉन्ज, दूसरा 8 और फिर 6। तो ये है हमारे केक पिलर्स। अब ये भी बहुत तरीके के आते हैं, पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, बेम्बू के भी आते हैं और सॉफ्ट वाले भी आते हैं। तो ये जो हाफ इंच का केक पिलर है, या डावल बोल सकते हो आप, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। पतले वाले देखो, पतले वाले भी चल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े एक दो फालतू लगाने पड़ जाते हैं कई बार, नहीं तो इनसे अच्छा ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। पतले वाले थोड़े आप जो सेकंड टायर है उसमें लगा सकते हो तो ठीक है, नीचे वाले के लिए थोड़ा स्ट्रांग रहे, और याद रहे एकदम एग्जैक्ट लेवल पे आपके कटे हों डोवल, दूसरा एकदम मतलब एग्जैक्ट कटे हों, अच्छी तरीके से सीधे प्लेस करने हैं आपको, और इस तरीके से आपको डावल लगा देने हैं, और टेढ़े भी नहीं काटने, एकदम सीधे काटने हैं। तो ये लग गए डावल, इसको हटाते हैं हम साइड में। तो ये केक का फ्रंट हमने बना लिया है, फ्रंट वगैरह आप देख लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। तो जो केक बोर्ड था ना, वो इसी केक के नीचे है, तो एक और मैंने तैयार कर रखा, वो जो उधर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही मैंने बनाया था, मैंने दो बनाए थे। अब सेकंड टायर में मैं सॉफ्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ डावल, क्योंकि यहाँ हमें इतना हैवी वेट नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से इसको भी लगा देंगे ये इजीली, ये स्ट्रॉ की तरह आते हैं वैसे तो बेसिकली, और ये सस्ते भी होते हैं, वो वाले हमारे महंगे आते हैं। तो ये लग गए यहाँ पे, तो जो आपने एक नीचे बनाया था बोर्ड, डिस्क बनाई थी वो नीचे लगा दी, एक ये रही, ये 6 इंच की मैंने बना रखी, 6 नहीं 5 है शायद ये, और इसके ऊपर भी हमने केक रख दिया। अब केक रख दिए तीनों, देख लो हाइट आपको हमेशा परफेक्ट लेनी है, एक ही साइज़ में लेना है, तब आपको मज़ा आएगा केक का काम करने में। और ये सेंटर में लगा दे डबल, अब ये कहीं नहीं जाएगा केक, और कुछ भी नहीं होगा इसको। तो 5 kg का ये केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। हर केक की हाइट 4.5 इंच है, सेंटर में डबल लगा देंगे, और ये हमेशा के लिए एकदम सेट हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इस केक में कोई डिज़ाइन नहीं था, बस हमें रेड कलर का बॉर्डर और बनाना था, उसके ऊपर 25 लिख के देना था कस्टमर को, और ये केक आराम से आप 5,000 रुपये का दे सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।